की जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में 10वीं बोर्ड सराव कृति पत्रिका 2022 हिंदी विषय, समय 3 घंटे, कुल अंक 80 अंकों के लिए, आदर्श उत्तरों के साथ नमूना कृति पत्रिका सेट 7 पार्ट 1 यानी भाग 1 में आज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कल हम इस ऑनलाइन लेक्चर में इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1, बोर्ड एग्जाम किस तरह होगी और उसका आदर्श नमूना कैसा होगा। तो चलिए, विभाग 1 गद्य कुल 20 अंकों के लिए होता है, पठित गद्यांश। तो सबसे पहले कृति प्रश्न 1 में दी जाएगी, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। सबसे पहला जो पठित गद्यांश है वह हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुक रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका जाए तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। इसके अनुसार हमें अब जो नीचे दी गई आकलन 1 और आकलन 2 के लिए जो कृति होती है वह सबसे पहले हम जानेंगे उसके सही आंसर क्या है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। यह आया था लेखक द्वारा, तो नीचे उत्तर देखिए। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर लेखक ने जब प्रश्न पूछा मैं कहाँ हूँ, तो यह तालिका पूरी की गई है। उसके बाद ये कुल 2 अंक के लिए है। उसके बाद आकलन संजाल पूर्ण करना है। लेखक को यह फिक्र हुई, क्या फिक्र हुई? ये 4 उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे और उनका आराम हराम हो जाएगा, मिलने के नाम पर तकलीफ दे देंगे। यह लेखक को फिक्र हुई। उसके बाद वह 2 अंक के लिए पूछा गया है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पूछा है जवाब। जवाब का लिंग पहचानिए, पुल्लिंग। यहाँ उत्तर लिखा है पुल्लिंग। जवाब का समानार्थी शब्द लिखिए यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए उत्तर।
जब आपका विरुद्धार्थी शब्द लिखिए सवाल, जब आपका वचन परिवर्तन कीजिए जवाब ही आता है। यानी इसी तरह यह संजाल पूरा किया है कुल दो अंक के लिए। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। कुल 3 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई है। तो हमें लिखनी है कि देश में अगणित निजी अस्पताल है, परंतु देश की आधी ऐसे आधी गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों की एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहां इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों के समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर यदि मिल जाए तो दवाइयां नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाएं खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। तो यही मेरे 25 से 30 शब्दों में मैंने अपना मत लिखा है, अपने विचार लिखे हैं 3 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न 1 आ में जो कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह नीचे गद्यांश दिया है, यह पढ़ने के बाद आपको लिखना है। देखिए, कुल 8 अंक के लिए इस पर कृति पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़िए। तिवारी जी ने कहा क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वो रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी ने कहा आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी भी एक अद्भुत गुण पिताजी में एक अद्भुत गुण था। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस पर तिवारी जी ने कहा उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्या आप पर उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? उस पर कहा उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी ने कहा क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे, उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज आ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। इस पर तिवारी जी ने कहा आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तो नागर जी ने कहा पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो यह जो साक्षात्कार के कुछ अंश है यहाँ पर दिए, इस पर आधारित हमें कृतियां पूरी करनी है। पहली कृति पूछी गई है कुल 2 अंकों के लिए। गद्यांश में आए 2 महान नेताओं के नाम लिखने थे गद्यांश में। तो गद्यांश में 2 महान नेता थे, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। नागर जी के लेखन की एक विशेषता,
गरीबों के प्रति करुणा का भाव होना। नागर जी की पहली कहानी का नाम प्रायश्चित। गद्यांश में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी बमकांड। तो इसी तरह कुल 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई थी। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। एक एक अंक के लिए आकृति 2 दी गई है, 1 और 2, वो हमें पूर्ण करनी है, पूरी करनी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिल होगी। रोगी कौन था? जवाहरलाल नेहरू की माँ और नागर जी का छोटा भाई। नागर जी का पहला उपन्यास, उसका नाम, नाम लिखना है पहले में, नाम महाकाल। कौन सा? महाकाल। और प्रकाशन वर्ष 1944। तो इसी तरह कुल एक एक अंक के लिए यह कृति पूछी गई थी। उसके बाद शब्द संपदा में हमें कृति पूछी जाती है कि निम्नलिखित शब्दों के वृद्धार्थी शब्द लिखिए। निश्चित अनिश्चित, दुख सुख। तो इस तरह लिखना था कुल एक अंक के लिए। उसके बाद तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखना है आपको। साहित्यिक साहित्य, विलायती विलायत, इस तरह तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखना था एक अंक के लिए। उसके बाद आपको अभिव्यक्ति लिखनी है कि ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो उत्तर में लिखते हैं, कहते हैं, पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है, मित्र होता है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तरह 25 से 30। उसके बाद जो अपठित गद्यांश है, प्रश्न 1ई में जो कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित पठित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा, मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता, इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है, उसका दावा कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है, आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के तीन पाउंड होता है, ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा। विवेकानंद जी की आत्मकथा से लिया हुआ यह अपठित गद्यांश है। इसके आधार पर हमें आगे कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। तो चलिए इसके आधार पर दी गई कृति पूर्ण करनी है, आकृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया 3 पाउंड प्रति सप्ताह। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। किनके प्रति? अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है और भविष्य में जो उनकी मदद करेंगे, उनके लिए वह कृतज्ञ है। कुल एक एक अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। उसके बाद अभिव्यक्ति की कृति हम देखने वाले हैं कि कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने, कुल 2 अंक के लिए। कृतज्ञता एक महान गुण है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने प्रति की गई
सहायता के लिए श्रद्धावान होकर सहायता करने वाले व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रदर्शन करना कृतज्ञता मानवता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यह हमें आभास कराती है प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में और कभी भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग या सहायता प्रदान की है उसके लिए हम यदि कुछ न कर सके तो हृदय से आभार अवश्य प्रकट करें। यदि दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का भाव है उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम विभाग दो जानने वाले हैं पद्य। कुल 12 अंक के लिए इस पर कृति होती है। सबसे पहले पठित पद्यांश पढ़कर हम दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई दई कुल की कानी, कहा करही कोई। संतन धीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। संजाल पूर्ण कीजिए, इतना ही था। उसके आधार पर यह चार उत्तर आपको लिखने हैं। देखो मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, क्या क्या किया? कुल की मर्यादा छोड़ दी। दूसरा, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा। तीसरा, अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा और लोक लाज त्याग दी। इस चार लिखने के बाद आपको कुल 2 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई थी। 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपको शब्द संपदा में देखना है कुल 2 अंक के लिए। छाड़ी यानी छोड़, आनंद यानी आनंद, माखन यानी मक्खन और भगत यानी भक्त, ऐसे उसके शब्द रूप लिखे हैं। उसके बाद आपको कुल 2 अंक के लिए सरल अर्थ लिखना है। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अंतिम 4 जो यानी दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। यहां से देखिए मीराबाई कहती है, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूप भवसागर से पार लगाओ, यानी अपने पास लेके जाओ। यही उनका कहना है इस पंक्तियों में, इस पंक्तियों का हुआ यह सरल अर्थ। उसके बाद प्रश्न 2 आ में लिखना है आपको पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां पूर्ण करनी है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे है, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे पालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। तो इसी तरह की इस पद्य के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी थी। तो यह कृति दी गई छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, क्या क्या मांगा था? ये 4
संजाल में आपको लिखना है सोना, अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, नोट और चांदी, यह मांग की थी। उसके आधार पर शब्द संपदा में अनेकार्थी शब्द पहचान कर लिखने हैं। सोना यानी धातु सोना और नींद लेना, दो अर्थ होते हैं उसके। अर्थ संपत्ति और साहित्य में उसका मतलब होता है मतलब। नोट रुपया नोट या परीक्षा की टिप्पणी उसे बोलते हैं हम। चांदी चांदी और बालों में सफेदी को चांदी भी कहा जाता है। तो ऐसे अनेकार्थी शब्द पहचान कर लिखे हैं। तो उसके आधार पर कुल दो अंक के लिए कृति थी। उसके बाद कुल दो अंक के लिए नीचे कृति दी गई है कि पद्यांश की अंतिम पांच पंक्तियों का सरल अर्थ हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अधिकारी कवि से छुप कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए बालों को जोड़ते हैं। चांदी तो मेरे सिर्फ बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि 14 है कि, कहते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। तो इसी तरह उसका सरल अर्थ हुआ अंतिम पांच चरणों का। इसी तरह आज हमने भाग पार्ट 1 देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, कल हम इसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं पार्ट 2 इस कृति पत्रिका का। तो आज हमने सभी ने इस कृति पत्रिका पार्ट 1 अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।